यहाँ से जो है कोई निकालने का कोई ऐसा काम नहीं है, बल्कि जो बाहर के लोग जो परेशान थे उनको यहाँ लाने का काम। तो हो गया कि अब हम मुल्क के अपने भारतवासी हो जाएंगे? नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं भ्रम की स्थिति, हम लोग बिल्कुल फ्री होकर रह रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इसके बारे में कोई भी भ्रम की स्थिति ना रखे। तो अगर वहाँ के ऊपर भारतीय मुस्लिमों के लिए है तो भारत में वहाँ के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? और इन्हें जो अपने भाषणों में कहा है वो दिया है। सी ए कानून देश में लागू हो चुका है और जो पुलिस और प्रशासनिक वो उन लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं जिनमें भ्रांतियों की बात की जाती है कि भ्रम फैलता है कि सीए कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है। ऐसा नहीं है, सरकारों ने भी स्पष्ट किया है, नेताओं ने भी स्पष्ट किया है और पुलिस भी लगातार ऐसे तबके के पास लोगों के पास पहुँच कर उनको आश्वस्त कर देना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तमाम लोग हैं मौजूद लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप यहीं के बाशिंदे हैं, पुलिस आप तक पहुँच रही है, क्या बताया जा रहा है आप लोगों को बारे में सीए के बारे में? सीए के बारे में जो है ऐसा तो कुछ भी नहीं, जो जैसा पहले अफवाहों में सुन रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि जो है जो यहाँ जो बाहर जो लोग परेशान हैं उनको यहाँ बसाने का काम किया जा रहा है। पहले ऐसा लोग आप लोग जो भ्रम था वो दूर होता दिख रहा है कि नहीं कि जो सीए कानून नागरिकता लेने वाला है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा कुछ होने जा रहा है? ऐसा तो साफ हो गया है कि यहाँ से जो है कोई निकालने का कोई ऐसा काम नहीं है, बल्कि जो बाहर के लोग जो परेशान थे उनको यहाँ लाने का काम। आप लोगों को पुलिस संवाद कर रही है, किस तरह से बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है और क्या आप लोगों के मन में कोई भ्रम अभी भी है? किसी किस्म का कोई भ्रम नहीं, बल्कि वो खुशी की लहर है कि कम से कम एक पैगाम आया है, अच्छा पैगाम है कि कम से कम जो लोग बाहर के रहने वाले यहाँ पर डर रहे थे कि अब उनको नागरिकता मिल रही है, उनको कम से कम इतना तो हो गया कि अब हम मुल्क के अपने भारतवासी हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। लोगों को क्या कहेंगे जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्या आप लोगों के मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है या उन लोगों को कोई संदेश देंगे, आप बताइए जी क्या कह रहे हैं? ये के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या आप लोगों को लगता है कि अभी भी कोई भ्रम की स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं भ्रम की स्थिति है, हम लोग बिल्कुल फ्री होकर रह रहे हैं और जो भ्रम के बारे में फैला रहे हैं वो खुद अपना सोचे, अपने बारे में हम लोग के बारे में ना सोचे, हम लोग बिल्कुल फिट हैं, कुछ नहीं होना है। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, होली भी आने वाली है, किस तरह से मनाएंगे मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब? समय बताएगा आपको कितना अच्छा मनाएंगे, आप भी आइएगा यहाँ मनाने, बहुत बढ़िया मौसम माहौल दिखेगा। बेशक बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। अफवाहें लोग फैलाते हैं, जो तटपुंजी नेता हैं वो फैलाते हैं, यहाँ होता कुछ नहीं, जबरदस्ती लोग हवा उड़ा देते हैं फालतू, यहाँ कुछ है ही नहीं, ना है और ना होगा। एडिशनल डीसीपी साहब हैं विश्वजीत श्रीवास्तव जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप लोग लगातार सड़कों पर और क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या बताने की कोशिश है और क्या इंश्योर करने की कोशिश है? देखिए यहाँ रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और कल जो है सीए का भी कानून आया है, इस संबंध में हम लोग गश्त कर रहे हैं और यहाँ पर होली का भी त्यौहार आने वाला, इन सब को ध्यान में रखते गश्त की जा रही है, ये लोग इनसे बात भी की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इसके बारे में कोई भी भ्रम की स्थिति ना रखें और सब कुछ बहुत स्पष्ट है, कोई बात हो तो आप बताएं मिलें और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और सब लोग को बताया जा रहा है, सब लोग समझ भी रहे हैं, इन लोगों को पहले से भी अच्छी से जानकारी। ये बताइए कि जो सीए कानून आया भ्रम की स्थिति कुछ है क्या? देखिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, मैं एक बात बता दूं बहुत स्पष्ट है कि हम लोग मुस्लिम हैं यहाँ और हमारे अक्सर जो है शादियाँ बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले होती रहीं और वहाँ पर हमारे क्या कि मुस्लिम महिलाएँ गईं तो उनको वहाँ की नागरिकता मिली, उन्हीं ने पासपोर्ट सरेंडर किया उनको वहाँ नागरिकता मिल गई। ये पहले प्रावधान उस देशों में भारतीय मुस्लिमों के लिए था, तो अगर वहाँ के ऊपर भारतीय मुस्लिमों के लिए है तो भारत में वहाँ के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये ज़बरदस्ती उलझाने वाली बात है, इसके अंदर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इसमें चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए, चाहे इसमें राजनीतिक दल कोई भी हो इसमें रोटियाँ नहीं सेकनी चाहिए, मेरा इतना कहना है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं वो जो देश पाकिस्तान बने, बांग्लादेश बना या अफगानिस्तान है, मुस्लिम देश है और एक मुस्लिम देश कहलाता है, अगर वहाँ के ऊपर उनको जो वहाँ के ऊपर गैर मुस्लिम है उनको कोई परेशानी है, वो भारत वापस आना चाहते हैं या यहाँ आ चुके हैं उनको नागरिकता नहीं है, उनको अगर नागरिकता दी जा रही है तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बस इतना सा मेरा ये कहना है। ठीक है, कानून हमारे संविधान के तहत जो है राज्यसभा से पास होकर के आया है और हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे आइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी इज़्ज़त करना और हमारे लोग भी इज़्ज़त करते हैं, ऐसा कोई उसमें कोई मामला नहीं है और इसमें कोई भी अराजक तत्व वगैरह अगर इसमें कोई बात फैलाते हैं या कोई गलत भ्रमकता जो फैलाते हैं तो उसके लिए देखा जाएगा, हम लोग हैं और देखिए आज लोग पढ़े लिखे लोग हैं
और ऐसा नहीं है कि एक ज़माना था कि ये बाढ़ पीड़ित तो इलाका था और लोग इलिटरेट थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज थोड़े लोग समझदार हो चुके हैं, लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं और मुस्लिम समाज में अब कुछ ज़्यादा लोगों के अंदर एक रुझान है कि देखिए मोदी जी ने खैर एक काम तो बहुत अच्छा किया है, देखिए उन्होंने लोगों के अंदर एक जागरूकता और पढ़े लिखे होने के भावना जो लोगों के लिए कहते नहीं एजुकेशन लोगों के अंदर डालने की कोशिश की, लैपटॉप और इन्हें जो अपने भाषणों में कहा है वो दिया है। ऐसा नहीं है कि जो है हर चीज़ को नकार दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं इन क्षेत्रों तक, अंदर गलियों तक, सकरी गलियों तक जा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो माहौल है वो बिगड़ने ना दिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लगातार क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है मुस्लिम क्षेत्रों में, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो इस बार इंश्योर कर लेना चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई भी अराजक तत्व के लिए कोई जगह ना रह जाए जिससे वो माहौल बिगाड़ने में कामयाब हों। बताया जा रहा है कि सीए कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी भी व्यक्ति की जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है, उसकी नागरिकता लेने के लिए कतई नहीं आया है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।